कोटि वंदना अरब खरब नो तेरा दास्वामी मिल गए खुला भक्ति का राजी रहता यही एक सत्संगी की पहचान। जीवन में जो भी दुख और सुख आते हैं उन्हें समान रूप से सहन करता है और स्वीकार करता है। राधा स्वामी मत एक सकारात्मक मत है, नकारात्मकता का इस मत में कोई स्थान नहीं। यानी जिस तरह हम अपने जीवन में सुखों को स्वीकार करते हैं उसी तरह आने वाले दुखों को भी स्वीकार करना सिखाता है। जीवन में सुख या दुख
जीव अपने ही कर्मों से पाता है। पर ये मन हमेशा दुख का कारण किसी और को बता देता है और दुखी होता है, क्योंकि वो दुख को स्वीकार नहीं कर पाता। अगर वो इस बात की खोज कर ले कि इस दुख का कारण क्या है, तो उसका मनन और चिंतन अंततः उसी की तरफ उंगली उठा देगा। जिसे मन स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमेशा अपने दुखों का कारण किसी और में ढूंढता है और मन को संतुष्ट कर देता है कि तू तो सही है, उसके कारण तुझे कष्ट है। इस तरह वो अपने दुख को अस्वीकार करता है और दुखी होता है। यदि जीव अपने दुख के कारण को स्वीकार कर ले तो कभी दुख ना हो, यानी दुख को भी सुख के समान स्वीकार करना पड़ता, तभी हम दुखों से बच सकते हैं। और जब तक दुख को स्वीकार नहीं करेंगे, हमेशा दुखी बने रहेंगे। सो राधा स्वामी मत करनी का मत कथा कहानियां किससे पिछले युगों की बातें भविष्य के सपने ये मत नहीं दिखाता, वर्तमान में जीना सिखाता है। क्योंकि हमारा वर्तमान इतना ही है, ना तो अतीत का पता ना भविष्य का आश्वासन, वर्तमान हमारे हाथ है। जो अतीत में कर गुजरे उसी का परिणाम वर्तमान है, और वर्तमान में जो कुछ भी करेंगे उसी का फल भविष्य। तो इस अतीत वर्तमान और भविष्य में वर्तमान ही हमारे हाथ में है और मुख्य है, जबकि हम अपने जीव के भलाई और उद्धार के वास्ते कुछ कर सकते हैं। तो राधा स्वामी मत वर्तमान में जीने की शिक्षा देता है और जीने का वो तरीका सिखाता है कि हम लौट के फिर इस जगत में और इसके दुखों में ना, ये जगत नाशमान और नश्वर है, यही इस जगत की नकारात्मकता है। इस नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर एक यात्रा है, अंतर में अपने ही भीतर राधा स्वामी मत। सो ये करने का मत दया के बिना पूरा नहीं हो सकता। जब तक कुल मालिक की दया ना प्राप्त हो, हमसे वो करनी हो नहीं सकती। क्योंकि जीव को जन्म जन्म भूल में रहा, एक से दूसरी जून में भटकता रहा, पर मुक्ति कभी ना मिली। तो बड़ा भाग्य है कि हमें मनुष्य रूप में जन्म मिला और अपने जीव के उद्धार के वास्ते कुछ करने का अवसर मिला। पर ये करनी उस कुल मालिक की दया के बिना हो नहीं सकती। सो दया बिना करनी नहीं और करनी बिना दया प्राप्त होती नहीं। सो दया तो हम पर हो गई, बहुत भारी दया हो गई कि सबसे उत्तम जून मनुष्य रूप में हमारा जन्म हो गया। ये बहुत भारी दया है, क्योंकि मनुष्य जन्म के अलावा किसी भी जून में जीव अपनी मुक्ति और उद्धार का उपाय कर नहीं सकता। तो बड़ा भाग्य है कि हमें मनुष्य रूप में जन्म मिला और इस करनी को करने का अवसर प्राप्त हुआ।
इस तरह हम पर दया तो हो गई, अब करनी हमें करनी। जब हम दया योग्य करनी करेंगे तभी हम पर वो दया होगी जो हमें इस नश्वर और नाशमान जगत से मुक्त करके इन चार खान और 84 लक्ष जून से न्यारा कर सकती है। एक चैतन्य अनंत आनंद से भरा हुआ जीवन, जहाँ मृत्यु क्लेश दुख का नामो निशान नहीं है, उस अमर आनंद के देश और स्थिति में हम आ सकते हैं। अवसर ये मनुष्य जन्म ही है और किसी भी जून में ये अवसर जीव को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं दोनों आँखों के मध्य मस्तक में ये द्वार है इस जगत से न्यारा होने का। ये द्वार सिर्फ मनुष्य जून में ही खुल सकता है, होता तो हर जून में है पर खुल नहीं सकता। सिर्फ मनुष्य जून में ही ये द्वार खुल सकता है जिसे पार करके जीव इस नश्वर और नाशवान जगत से मुक्त हो सकता है। सो करनी और दया ये दोनों साथ साथ चलती है। दया बिना करनी बन नहीं सकती और करनी बिना दया हो नहीं सकती। फिर जो दया के ही भरोसे बैठे रहे और करनी ना करी, बस यही मान के बैठे रहे कि वो कुल मालिक परमपिता परमेश्वर परमात्मा जिस भी रूप में हम उसे जानते हैं हम पर दया कर दे तो हमारा भला हो जाए, ये अपने आप को धोखा देना है। दया योग्य करनी तो करनी ही पड़ेगी और फल करनी का ही मिलेगा। मुक्ति किसी को उपहार में नहीं मिलती, उसके लिए जतन और जुक्ति करके कमाई करनी पड़ती है मुक्ति के योग की। सो अगर दया के भरोसे ही बैठे रहे और आलसी हो गए तब फिर करनी कैसे बने? सो दया तो तुम पर हो चुकी, जो संतों के मत का संदेश और समझ तुम्हें मिल गई। अब आगे को दया योग्य करनी करनी है, जिससे कि अंतर में गाज रही वो धुन अनंत निरंतर जो हर घट के भीतर गाज रही है, यही ध्वनात्मक नाम है। राधा स्वामी जो लिखा पढ़ा और बोला ये वर्णात्मक नाम है। इससे मन के घाट की कुछ सफाई तो हो सकती है, मन के विकार कुछ दब तो सकते हैं, पर जीव मुक्त नहीं हो सकता। जीव को जगत से मुक्ति के वास्ते अंतर में गाज रहे ध्वनात्मक नाम जिसे धुन कहा है उसका सुनना आवश्यक। ये वही ध्वनात्मक नाम और धुन है जो 10 नादों की जननी है। 10 नाद इस धुन से ही प्रकट हुए हैं और इसी धुन में विलीन हो जाते हैं, जिसको अनहद नाद ओंकार कहा गया। ये ओंकार की धुन की शब्द की पहचान,
इस ब्रह्मांड का शब्द ओम है और ओम की धुन, धुन का जिसे हम ओंकार कहते हैं, वो अनहद नाद भी है और यहीं से धुन की शुरुआत भी होती है। सो इस धुन की जो हर घट के भीतर गाज रही है, उसका सुनना ही उस सच्चे नाम की पहचान है, जिसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग नाम अधारा। कलयुग में सिवाय नाम के उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, ऐसा ही ऋग्वेद और आगे के उपनिषद और पुराणों में वर्णन किया गया है वास्तविक कलयुग के। बाकी सब कर्मियां सत्युग त्रेता द्वापर के वास्ते थी, जबकि जीव की आयु अधिक थी, शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल अधिक था, पर कलयुग आते आते आध्यात्मिक प्रदूषण की वजह से आयु, समझ, मन की शक्ति सब कमजोर होती चली गई। अब वह कर्मियां, वो तपस्याएं, वो साधनाएं कलयुग में संभव नहीं है, जिनके माध्यम से सतयुग त्रेता और द्वापर में जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता था। सो कलयुग नाम अधारा, और नाम भी सच्चा चाहिए, वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम से जीव की मुक्ति संभव नहीं है, वर्णात्मक नामों से सिर्फ मन के घाट की सफाई संभव है। सो दया तो हो चुकी, अब नाम की कमाई करना हम पर निर्भर करता है। 84 लक्ष जूनों का अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव पर जीव को गाय की जून मिलती, तब उसके बाद नर देही प्राप्त होती है। सो इस नर देही में जो जीव से भली करनी बनेगी, तो बराबर नर देही प्राप्त होती चली जाएगी, तब तक जब तक कि जीव का काज पूरा ना हो जाए। काज पूरा होने का अर्थ है इस जन्म मरण और 84 के चक्र से छूट कर मुक्त हो जाना, इसे ही काज का पूरा होना कहा गया। सो भली करनी ये है कि अपने कुल को याद करना, अपना कुल, हम किस कुल के हैं, क्योंकि जीव की जून तो बदलती रहती है, कभी भूमिज, कभी अंडज, कभी जेरज, कभी जलज, ये चार रास्ते हैं जहां से जन्म प्राप्त होता है। भूमि से पैदा होने वाले वनस्पति, कुछ कीड़े, जलज, जल से पैदा होने वाले और जल में पैदा होने वाले जेरज, जो झिल्ली में लिपट कर पैदा होते हैं, जैसे चौपाय और मनुष्य के बच्चे, अंडज, जो अंडे से जन्म लेते, ये चार रास्ते हैं जन्म के, और 84 लक्ष्य हैं जिन लक्ष्यों को जीव जीवन के रूप में प्राप्त करता है। सो अपने कुल को याद कर, जून तो बदलती रहती है कर्मों के अनुसार, पर कुल नहीं बदलता, वो तो एक ही है।
यानी कुल जीव सत्य नाम वंशी हैं। सत्य नाम नानक कहते हैं आदि शब्दे जग उपजे, एक ओंकार सत्य नाम। तो ओंकार वो सत्य नाम है जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई। तो ओंकार इस जगत का सत्य नाम है, न कि रचना का। ओंकार वो अंतिम पड़ाव है शब्द का, जहां से कि नाद प्रकट हुए और जगत की रचना हुई। पर ओंकार कहां से प्रकट हुआ, यह भेद राधा स्वामी मत में ही समझाया गया है। इसकी व्याख्या वेदों में नहीं की गई। वेद तीन पद पर आधारित है, देह मन और आत्मा। त्रिआयामी त्रिगुणात्मक सत्ता सत रज तम। इस त्रिगुणात्मक सत्ता जिसे हम विधि का विधान कहते हैं, इस कुल की रचना ओंकार से हुई है। पर राधा स्वामी मत हमें चौथे पद का उपदेश देता है। इन तीन पदों से न्यारा करता है, चौथे पद का भेद बताता है और वो है सुरत, जिस पर आत्मा यानी आत्म तत्व का खोल चढ़ा होता है। शास्त्रों में आत्मा को भी तत्व बताया गया है, जिसे आत्म तत्व कहा है और परम तत्व परमात्मा। राधा स्वामी में चौथे पद का उपदेश करता है, यानी आत्मा के भी खोल को उतार कर जो चैतन्य प्राप्त होता है, यही चौथा पद है। और ओंकार और ओम शब्द की उत्पत्ति का कारण भी यही है। सो कुल नहीं बदलता, जून बदलती है। और कुल जीव सत्य नाम वंशी हैं, तो सत्य नाम इस जगत से ऊंचा है और ओंकार और ओम शब्द की उत्पत्ति का कारण भी वही है। यही चौथे पद की खोज और शिक्षा राधा स्वामी मत। सो इस बात की पूरी परख और समझ में आए बिना जब तक हम परखेंगे नहीं, तब तक समझ और स्वीकार नहीं कर सकते। परखना जरूरी है, प्रश्न करना जरूरी है, अपने संशय और भ्रमों का उत्तर पाना जरूरी है, तभी हम किसी भी बात को स्वीकार कर सकते हैं। अगर हमारे संशय दूर नहीं हुए, उत्तर नहीं मिला, तो हम किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। सो अपने कुल को पहचानना, परखना और वो सत्य नाम सत्य शब्द ओम और ओंकार से बढ़कर है। पार ब्रह्म में वही शब्द निरंकार है और अंतरिक्ष के पार यही शब्द सोहंग है और धुर धाम जो हमारा कुल है, वहां यह शब्द सत्य। सो ओंकार से ऊपर रंग का सोहंग और सत्य का भेद परख के ही प्राप्त हो सकता है, कहने सुनने से स्वीकार करना अपने आप को धोखा दे। ये अनुभव का मत है और अनुभव से ही प्राप्त होता। सो भली करनी यही है,
कि अपने कुल को याद करना जिसकी के सूरत अंश है। सो दया बिना ये करनी हो नहीं सकती और इस करनी को किए बिना दया प्राप्त हो नहीं सकती। पर ये करनी तभी होगी जब सार गुण भक्ति प्राप्त। भक्ति एक गुण, जब ये गुण हम में पैदा होगा तभी ये समझ और सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है कि हम अपने अंशी और कुल को परख और पहचान से। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से न्यारा होकर ही जो सार गुण है उसे ही भक्ति कहा गया। सो इसे ही अपनाना चाहिए, तभी सच्चा ज्ञान और व्यवहारिक वैराग प्राप्त हो सकता। मन प्रश्न करता है, क्योंकि संसारिक दृष्टि से व्यवहार और वैराग दोनों ही एक दूसरे से विपरीत बातें हैं। वैराग है तो फिर जगत में व्यवहार कैसा, और यदि जगत में व्यवहार कमाया तो वैराग कैसा। पर संतों का मत स्वार्थ के संग परमार्थ की शिक्षा देता है, और ये मत गृहस्थों के वास्ते गृहस्थों का मत है, वैरागियों का नहीं। यहाँ वैराग का अर्थ इस संसार के बंधनों को ढीला करने से है। संसार में रहकर संसार के सभी कर्मों को करते हुए खुद को निःकर्म अवस्था में ले आना, जहाँ की कर्मों का बोझ ना चढ़े, यही वैराग है और यही आनंद है। तो संसार के बंधन जो कि मोह के बंधन हैं, संतों का मत संसार का त्याग करने से नहीं है, बल्कि संसार में रहकर वैराग का आनंद लेने से। यही व्यवहारिक वैराग और इसका आनंद हमें फिर से जगत में आने से रोक सकता है। जाना है तो जीना आवश्यक है, अगर जिए ही नहीं तो जाएंगे कहाँ और कैसे। तो जीकर ही संसार में जाने का उपाय किया जा सकता है। घर गृहस्थी अपना कारोबार कर्तव्य और दायित्वों को छोड़कर जंगल पहाड़ गुफाओं में जाकर कुछ हासिल नहीं होगा, कर्मों का बोझ पड़ेगा, क्योंकि हम अपने जिन कर्तव्य और दायित्वों से मुंह मोड़कर वैरागी बन रहे हैं और जंगल और पहाड़ों में जाके सर खपा रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्य और दायित्वों से विमुख होकर अपने ऊपर कर्मों का बोझ चढ़ा रहे हैं। और जब तक कर्मों का बोझ ना चुके जीव जगत से मुक्त हो नहीं सकता। तो गृहस्थ जीवन में रहकर अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करते हुए उस मालिक की याद में अपने कुल को याद रखना, यही जीते जी मुक्त हो जाना है। सो कहां जाना है और कैसे जाना है, यही शिक्षा और समाधान संत मत राधा स्वामी है। भक्ति एक माता के समान है और ज्ञान और वैराग उससे उत्पन्न दो पुत्र हैं। पोथियों के ज्ञान से हासिल करके इनका कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पोथियों का ज्ञान हमारे अंदर अहंकार भर देता है
कि मुझे तो सब पता, मैं बहुत ज्ञानी। इस अहंकार से हम भर जाते हैं पोथियां पढ़ पढ़ कर। सो जो ज्ञान सद्गुरु पूरे की भक्ति करके हासिल होगा, जो कि शब्द स्वरूप और अंतर में गाज रही धुन है, यही अनुभव जीव को ज्ञाता बना देता है। और ज्ञात ही सच्चा ज्ञान है, जो कि अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञात जो कि अनुभव से प्राप्त हुआ वही सच्चा ज्ञान है। पोथियां पढ़ के जो रट लिया वो ज्ञान नहीं है, वो तो अहंकार से भर देगा। और ये ज्ञात अनुभव ये सद्गुरु भक्त की भक्ति से ही ये मार्ग जतन युक्ति उपाय और विधि जिस पर चल के हम अपने अंतर के ज्ञाता बन सकें और अपने अंतर से यानी अपने ही कहीं भीतर कहीं गहरे खुद स्वयं से परिचित हो सकें। ये ज्ञान और ज्ञात तो सद्गुरु वक्त से ही मिल सकता है। सो भक्ति गुण जो कि सत रज और तम से बढ़कर सार गुण है, यानी हर गुण का सार है, वही भक्ति है। जब तक वक्त के सद्गुरु पूरे ना मिल जाएं और सूरत उनकी शरण में ना आ जाए, तब तक अंतर में जो शब्द धुन गाज रही है उसका भेद नहीं मिल सकता। जो धुर पद के ज्ञाता हैं और अंतर धुन के भेदी हैं, जो कि हमें अपने भीतर के पट खोलकर हमारे अंतर के द्वारों को खोलकर हमारे भीतर गाज रही उस शब्द धुन से हमारा परिचय करा सकें, हमें जोड़ सकें, वही धुन के भेदी वक्त के सद्गुरु। और यदि हमें हमारे भीतर के धुन से ना जोड़ सके, जिसे हम अपने बंद कानों से सुन सकें, ये भेद जो ना दे सके, वो सद्गुरु नहीं है। वो वाचक ज्ञानी और ग्रंथ गुरु हो सकता है, जो ग्रंथ में लिखी हुई बातें तो हमें सुना सकता है, पर हमारे भीतर के द्वारों को नहीं खोल सकता। तो जो हमारे भीतर के द्वारों को खोलकर उस अंतर धुन से हमें जोड़ सके, वही वक्त का सद्गुरु है। जगत गुरु तो बहुत मिलेंगे, जो विधि का विधान पुराण शास्त्र वेद सब रट कर बैठे हैं और अपने को ज्ञानी कहते हैं, पर ज्ञाता नहीं। घट भीतर की यात्रा उन्होंने नहीं करी, पोथियां तो सब पता। तो ये पोथियों के ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो घट भीतर की यात्रा उस अंतर यात्रा से ही मिलेगी, जो द्वार हमें जगत से बाहर ले जाता है। पोथियों का ज्ञान तो जगत में ही फंसाता। सो जब तक इस जगत की त्रिगुणात्मक सत्ता, त्रिगुणात्मक सत्ता यानी सत रज तम से जीव न्यारा ना होगा, वह इस जगत से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। आज
कलयुग के समय में मन को निर्मल करने के लिए सिवाय सतगुरु वक्त न अगले आने वाले न पिछले हो चुके, उनकी टेक से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो आपके संग चर्चा कर सकते हैं, ना आपको उपदेश कर सकते हैं, ना आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सो उनकी तस्वीरें और मूर्तियों से कुछ हासिल ना होगा। जीता जागता वक्त का सद्गुरु, जिससे हम अपनी हर प्रश्न का, हर संशय का समाधान पा सकें, उसकी भक्ति से हमें अंतर का मार्ग मिल सकता है। सो कलयुग में मन को निर्मल करने के लिए सिवाय सद्गुरु भक्त और नाम धनात्मक, जो हमारे अंतर में बिना किसी बाजे के, बिना किसी टकराहट के, स्वतः हर वक्त समान रूप से एक लय और सुर में गाज रहा है, उस नाम से जुड़ जाना ही हर तीर्थ मूरत होम यज्ञ देव पूजन आदि से बढ़कर, क्योंकि जो अंतर में विद्यमान है वो हर प्रकट पूज्य से बड़ा। सो ये भेद तो वक्त का सद्गुरु भी दे सकता है, और जब तक प्रश्न ना किया जाए सद्गुरु कुछ बख्श नहीं सकता। तो चर्चा और प्रश्न ही जीव में सद्गुरु वक्त अपने कुल और कुल मालिक के प्रति प्रेम का भाव और भक्ति पैदा कर सकता है। अपने संशयों को जितना दूर करते जाएंगे मन उतना ही निर्मल होता जाएगा, वरना धारणाओं में फंसकर हम कुंठित और जड़ बन जाते। राधा बार बार करो बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे, जन्म जन्म रही भूल मैं नहीं पाया बेदार, कर्म के जाल में रही भोगत केदार, जगत जी रे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिला रहे सब मन की गानी, बाग जगा मेरा आदिका स्वामी, नाम का मोहि वेद जनाई, ऊंच से ऊंचा देश है वह अदर टिकानी, बिना संत पावे निशानी, राधा स्वामी नाम
की मोहे महिमा सुनाई कर सविनय कर
दादा स्वामी गुरु समरत तुम बिन रन दूसरा अब करो गगन शिखर पर बजाए नगाड़ा गगन शिखर पर बजाए नगाड़ा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया Yeah.